हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक लाई हूँ, त्रैमासिक परीक्षा, जो राजनीतिक विज्ञान का है और कक्षा 11 के पेपर में आने वाला है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, पहला, किस राज्य में दिव्य सदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है? मध्य प्रदेश। अगला, अर्थ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किस देश में है? श्रीलंका। अगला देखते हैं, भारत में कौन सी शासन प्रणाली नहीं है? लोकतांत्रिका शासन प्रणाली, इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला देखते हैं, भारत संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। देखते हैं, सत्य असत्य है ये। पहला, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, सत्य है। दूसरा, वर्तमान समय में भारत संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, सत्य। तीसरा, भारत में 29 राज्य हैं, असत्य। चौथा, किसी देश की जनता को हासिल अधिकार प्रमाण पत्र एक अधिकार पत्र होता है, असत्य। पांचवा, लोकसभा का कार्यकाल वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सत्य है। छठवा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक का प्राधिकरण किया जाता है, यानी धन विधेयक का प्राधिकरण किया जाता है, यह असत्य है, सॉरी सत्य है। सातवा, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, सत्य। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षित है, नहीं है, असत्य, क्योंकि धर्म निरपेक्षित है। नौवा देखते हैं, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार के गठन और उसकी शक्तियों की व्यक्त करता है, सत्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दसवां, भारतीय सदन में 3 सदन है, असत्य, क्योंकि भारतीय सदन में 3 सदन नहीं है। 11, सरकार के प्रधान व अनेक मंत्री को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, सत्य। 12, चुनाव आयोग में 1 से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। 13, न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति उत्तरदायी है, असत्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान कैसे है? भारत का संविधान कैसा है? उत्तर, लिखित और निर्मित है, मतलब भारत का संविधान लिखित व निर्मित है। अगला प्रश्न, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाले देशों में देशों के नाम बताओ, तो अमेरिका तथा फ्रांस। अगला देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला देखते हैं प्रश्न, जो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें है एक वाक्य में उत्तर देना। देखिए, UNOP का पूरा नाम, ये आप देख लीजिए, ये आप लोग को लिख देना है। शांति का आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि शांति का आशय स्पष्ट करना आ सकता है आप लोग के पेपर में। अगला देखते हैं, सॉरी ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ। अगला देखते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कानून का शासन का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ है किसी देश में कानून ही सर्वोच्च है और कानून से ऊपर कोई नहीं। आइए अगला देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बेगार का क्या अर्थ है? तो यह है, मूल्य चुकाएं बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं। ये जो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि कोई भी कार्य कराते हैं तो अपन मूल्य देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगे। अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।